गाइस, आपने ना थंबनेल पे बिल्कुल सही पढ़ा है। अगर आपका पीएनबी बैंक अकाउंट है और आप चाहते हैं पीएनबी बैंक के मोबाइल बैंकिंग यानी पीएनबी वन ऐप के अंदर रजिस्ट्रेशन करना, वो भी अपने आधार कार्ड की मदद से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत बारीकी से और अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ किस तरीके से आप पीएनबी बैंक के मोबाइल बैंकिंग यानी पीएनबी वन ऐप के अंदर अपने आधार कार्ड की मदद से रजिस्ट्रेशन करेंगे और कैसे आप उसके अंदर अपना यूजर आईडी बनाएंगे। पूरा तरीका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिल्कुल नए तरीके से। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लगेगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम, बहुत सारे दोस्तों की प्रॉब्लम होती है, तो हम उस पर वीडियो भी बनाते हैं, तो आप कमेंट जरूर से करना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं और मैं सीधा अपने फोन की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको क्या कुछ करना है। देखो, मैं शुरू में ही बता, पीएनबी वन ऐप के अंदर आधार कार्ड की मदद से रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर होना कंपलसरी है और आपका वो मोबाइल नंबर चालू भी होना चाहिए। तो पीएनबी वन ऐप के अंदर यूजर आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से पीएनबी वन ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे, आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ से इसको परमिशन करना है, तो यहाँ से आप इसको अलाउ करते जाएंगे और इस तरीके से आप इसको सारा परमिशन दे देंगे। परमिशन देने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर प्रोसीड टू लॉगिन का जो ऑप्शन आपको मिल रहा है, इसी वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। अब आपसे यहाँ पर यूज़र आईडी मांगता है। यूज़र आईडी आपके पास है नहीं तो अभी आपको न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। आपके सामने रजिस्ट्रेशन के तीन मेथड आ जाते हैं, तो रजिस्ट्रेशन विद डेबिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन विदाउट डेबिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन विद आधार। तो हम यहाँ पर आधार कार्ड की मदद से ही अपना रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास डेबिट कार्ड नहीं है। बशर्त यह है कि आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप अपने आधार कार्ड की मदद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन विद आधार वाला जो थर्ड ऑप्शन है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। टर्म एंड कंडीशन आपके सामने आ जाएगी, तो अब आपको ना यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ से आपको इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद अब आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर लगाना है। नीचे अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर लगा देना है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ वाले पे क्लिक कर देंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ लगा देंगे। अपना अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ लगाने के बाद कंटिन्यू आपको कर देना है, तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं। अब हमने अपना अकाउंट नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ लगा लिया है, नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिल रहा तो कंटिन्यू हमने कर दिया है। यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा और आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, यानी अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक है। तो हमारे पास OTP आ चुका है, आपके सामने देख सकते हो। तो अब हमें ये OTP यहाँ पर डालना है, जैसे कि हम यहाँ पर ये OTP लगा लिए हैं। अब यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है तो कंटिन्यू हम यहाँ से कर दिए हैं। अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आ जाता है। अब यहाँ पर आपको आपके आधार कार्ड के नंबर लगाने हैं, तो आधार कार्ड के नंबर यहाँ पर लगा लेते हैं। उसके बाद इसकी टर्म एंड कंडीशन होती है, यहाँ पर आई एग्री पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आपको सबमिट करना है। तो सबसे पहले हम अपने आधार कार्ड के नंबर लगा लेते हैं और उसके बाद आपको सबमिट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम आधार कार्ड के नंबर लगा लिए हैं, आई एग्री पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ से सबमिट कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सबमिट किया, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, उस पर एक OTP आता है। तो आधार कार्ड का OTP आपके सामने ही आ चुका है हमारे मोबाइल नंबर पर, तो हम आधार कार्ड का OTP डाल दिए हैं। अब यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। जैसे यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा TPIN। तो यहाँ पर ये TPIN क्या होता है, देखो ये TPIN होता है जैसे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करोगे PNB One ऐप से, तो ये TPIN पूछा जाता है। ये चार अंकों का एक पिन बनाना होता है जो कि आपको याद रखना होता है। तो यहाँ पर आप कोई भी एक TPIN बना लो, जैसे कि हम यहाँ पर एक चार अंकों का एक TPIN बना लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर एक TPIN लगा लेते हैं। जो TPIN आप ऊपर की साइड में लगाओगे, वही TPIN आपको नीचे भी लगाना है। जैसे कि हम यहाँ पर अपना एक TPIN बना लिए हैं 2580, और उसके बाद हमने दोबारा से कंफर्म कर दिया इसी TPIN को। अब यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अब जैसे यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग करेगा और आपका
रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आपका हो चुका है। अब यहाँ पर आपको यूज़र आईडी मिलता है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, ये आपका यूज़र आईडी है। इस यूज़र आईडी को बड़े ध्यान से या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने फ़ोन में, या फिर आप इसको कहीं भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस यही यूज़र आईडी आपका क्रिएट हुआ है और इस यूज़र आईडी से ही आप इसको यूज़ कर पाएंगे पीएनबी वन ऐप को। उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर देना, तो उसके बाद आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब दोबारे से आपको प्रोसीड टू लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। अब यहाँ पर आपको जो यूज़र आईडी अभी मिला था ना, तो वो यूज़र आईडी आपको यहाँ पर लगा लेना है। सेम इसी तरीके से लगाना है जिस तरीके से आपको वहाँ पर मिला था, यानी बड़े कैपिटल लेटर में ही वो लिखना है और इसी तरीके से लगा लेना। तो यूज़र आईडी हमने लगा लिया है, साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप सिम वेरिफिकेशन मांगेगा, यानी आपके फ़ोन में सिम पहले में पड़ा हुआ है या दूसरा नंबर में पड़ा हुआ है, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमारे केस में पहले में पड़ा हुआ है, तो इस पर क्लिक कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है, तो ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग करेगा। यहाँ पर सेंडिंग एसएमएस होगा, यानी आपके सिम को वेरिफिकेशन किया जाता है कि आपका सिम आपके बैंक अकाउंट में लिंक है या नहीं, कुछ ऐसा ही। उस पर एक ओटीपी भेजा जाता है, तो ये देख सकते हो कि हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाता है। तो ओटीपी आ जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ओटीपी आ चुका है आपके सामने। तो ओटीपी डालना है, उसके बाद यहाँ से भाई कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने आ जाएगा सेट एम पिन। अब ये एम पिन क्या होता है यार? देखो, एम पिन ना, जब आप पी एन बी वन ऐप को ओपन करोगे तो आपसे सबसे पहले एम पिन ही पूछा जाता है, यानी ये आपके ऐप का पासवर्ड है एम पिन, ठीक है ना। तो एम पिन भी आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे कि हम एम पिन भी यहाँ पर 2580 बना दिए हैं। इसी तरीके से आपको कुछ भी आप बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ये आपके जो याद रह सके। उसके बाद यहाँ से सबमिट कर दिए हैं, तो देख सकते हो कि सेट सक्सेसफुल, यानी आपका एम पिन भी सेट हो चुका है। उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर दो, और फाइनली अब आपको क्या करना है, आपको अपना एम पिन लगाना है, जो एम पिन अभी आपने बनाया। तो अब आप फाइनली पी एन बी वन ऐप के अंदर रजिस्ट्रेशन कर चुके हो और इसके अंदर एंटर कर चुके हो। जब आप इसके अंदर एंटर करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। अब आप चाहो तो यहाँ से अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हो, और भी बहुत सारी सर्विस आपको यहाँ पर मिलती हैं। कोई भी सर्विस का आप लाभ उठा सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। तो जिस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में बताया कैसे कैसे करके आपको पी एन बी वन ऐप के अंदर रजिस्ट्रेशन करना होता है अपने आधार कार्ड की मदद से, वीडियो को कई पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है इसीलिए क्योंकि पी एन बी वन ऐप के अंदर जब आप लॉगिन करते हैं ना, तो कभी कभी नेटवर्क का इशू हो जाने की वजह से या सर्वर डाउन हो जाने की वजह से पी एन बी वन ऐप ओपन नहीं होता या बैक मार जाता है। तो अगर आपको भी ऐसी दिक्कत कभी भी लगती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़े समय के लिए इसको जो है ना, या तो क्लियर डाटा कर दीजिए या इसको ओपन मत कीजिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, तो हो जाता है। इसके अंदर सर्वर डाउन कभी भी हो जाता है। तो बहुत सारी मेहनत हमारी इस वीडियो में लगी है। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, और हमारी मेहनत को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।